बद अच्छा बदनाम बुरा, तुम बद नहीं हो, तुम बदनाम हो गई। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम मुझे से अकेली रखने का ताना दे रहे हो। रिश्ते काचे धागों से, रिश्ते काचे धागों से। रशीदा किरे गए दो। अम्मा। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, लगता है मेरी बेटी की तबीयत ठीक हो गई है। हाँ बहुत बेहतर हूँ, और अब ना मुझे भूख भी लग रही है बहुत सारी। मुझे बिरयानी खानी है और मलाई बूटी मंगवा दो ना बाहर से अम्मा। हेलो, ये कौन सा टाइम है? इस वक्त तो घर में भी कोई मौजूद नहीं है, दाल बनी रखी वही खा ले। क्या हो गया अम्मा, मुझे नहीं खानी वो दाल वाल। और वैसे भी भूल गई हो क्या, क्या कहा था डॉक्टर ने कि अपनी बेटी का तुम खास ख्याल रखना? अरे तो रख तो रही हूँ, तेरे खातिर दो दिन हो गए कमेटियां लेने नहीं गई, तेरे कपड़े धोए, तुझे सूप बना के पिलाया, और क्या करूँ? तो क्या हो गया, एक ही तो बेटी हूँ मैं, कर दिया तो। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो अम्मा। किस चीज की भाई, मेरे लिए क्या भाभी पसंद कर ली है? अरे नहीं भाई, तुम्हारे भाई ने दुकान का सौदा कर लिया, मुंह मीठा कीजिए। और ये मैं खुशी में आपके लिए मिठाई और तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी लेके आया हूँ, तुम्हारी पसंद। भाई तुमने तो ना मेरे दिल की बात जान ली, कसम से मैं अभी बोल रही थी अम्मा से कि मुझे बिरयानी खानी है, बहुत दिल जा रहा था चटपटी बिरयानी खाने का। बस क्या कर रही है, उसी में खाना शुरू हो गई, बर्तन ले आना सब खा लेंगे। मेरी बिरयानी मैं खाऊंगी, कोई नहीं किसी को नहीं दूंगी। अरे भाई मैं ले आता हूँ प्लेट, आप ही पकड़ो मिल जा। क्यों भाई, मेरी बिरयानी है। अल्लाह हाफिज। अरे नौमी बेटा, तुम तो देर से आने वाले थे, जल्दी आ गए। पैसे दिए थे आपने, सारा प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, दोस्तों में बेइज्जती अलग हुई। अच्छा चलो बाद में चले जाना, मेरी बात सुन, मैंने अभी वो रिश्ते वाली बतूल को बुलाया है। रिश्ते के अलावा कुछ याद रहता तुम लोगों को? मैंने तुमसे कहा था नौमी को सुबह मेरे दफ्तर भेज देना। नौमी तुम दफ्तर क्यों नहीं आए? आज तुमने बड़ी बेइज्जती कराई है मेरी, एक शख्स बैठा तुम्हारा इंतजार करता रहा और तुम नहीं आए। कौन सा दफ्तर, मुझे किसी ने नहीं कहा दफ्तर आने के लिए। कब, झूठ बोलते हो तुम, झूठ बोलते हो। अरे सच बोल रहे हैं ये, मैंने इसे नहीं बताया था, भूल गई थी। तुम हमेशा की तरह अपनी बेटी के खातिर फिर झूठ बोल रही हो, तुमने मेरी बेइज्जती करा दी, ठीक है लेकिन याद रखना, बेटी की खातिर झूठ बोलकर अपनी खबर को और अजाब में ना भरे। क्या हो गया है तुम्हें, हैं? अब तुम मेरे मरने के बाद के फतवे भी देने लग गए। बहुत पछताओगे तुम लोग, बहुत पछताओगे। तौबा तौबा, पता नहीं क्या हो गया है इनको, दिन ब दिन गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा, बढ़ता ही चला जा रहा। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी कि अम्मी गलत नहीं है। तो तुम्हें भी तुम्हारी अम्मा ने पट्टियां पढ़ा दी हैं, तुम भी अपनी फुप्पो और अपने बाप के खिलाफ हो गई हो। नहीं अबू, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती, लेकिन अबू मैं डर गई हूं। अगर अम्मी बेहोश होने के बजाय सचमुच गाड़ी से टकरा जाती तो आप, मैं, ये घर अम्मी के बगैर नहीं चल सकते। वो अम्मी हमारी फैमिली की बैकबोन है। तुम अपनी माँ का मुकदमा लड़ने आई हो मुझसे? नहीं अबू, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ आपसे कि
मम्मी के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। तुम कहना क्या चाह रही हो? ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना कहूंगी, अगर पप्पू को आपसे या मुझसे जरा सा भी लगाव होता ना तो वो हमारी बात करती, लेकिन उन्होंने जब भी बात की है सिर्फ जरिया मुआश की बात की है। ऐसे में अम्मी के तहफ़ुज़ात गलत नहीं है। कब तक अम्मी को आप पप्पू की नजरों से देखते रहेंगे? बस कर दें अब्बू, कितना इम्तिहान लेंगे आप अम्मी का? आप अम्मी को इस घर की सबसे बड़ी खैर ख्वाह की नजर से देखें। ये ले भाई बतूल, असली घी के समोसे। क्या बात है परू, आज बड़ी मेहमान नवाजी हो रही है, लगता है कोई बड़ा काम लेना है मुझसे। अरे बड़ा काम क्या, वही काम जो तू करती है, बस शर्त है कि लड़की जरा अमीर कभी हो। लड़की किसके लिए? तुमने तो नौमी की अपने भाई के घर बात पक्की कर रखी है। अरे बात ही की थी ना, वो खत्म हो गए, अब दफा कर। अरे बतूल के भांजे को क्या लड़कियों की कमी है? अरे हाँ हाँ, बस समझ, तूने बतूल से कह दिया तो रिश्ता पक्का ही है। बतूल तू समझी नहीं, मैं कोई ऐसे वैसे रिश्ते की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि लड़की अमीर कबीर बाप की बेटी हो जो सारी जायदाद की इकलौती वारिस हो, या फिर कोई सरकारी मुलाजमा हो जिसकी तनख्वाह कम अज कम 70-75 हज़ार तो हो। अब तू देखना, मेरा बेटा भी अपने बाप की जायदाद का इकलौता वारिस है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक रिश्ता है ना, कॉलेज की मास्टरनी है, उसकी अकलौती बेटी है, 10 साल अमेरिका में रहकर आई है, माँ डॉक्टर है, ट्रक भर के जहेज देंगे, कहो तो बात करूँ। अरे बात क्या कर रही है, बस तू रिश्ता डाल दे जाके। बल्कि ऐसा करते हैं, हम दोनों बहने चलते हैं और चल के हम मंगनी की रस्म कराते हैं। परू इस रिश्ते की फीस कुछ और ही होगी। अरे ले लेना फीस, डबल दूंगी, लेकिन बहू मेरी पसंद की होनी चाहिए, फिर देखना तुझे इतना खुश कर दूंगी कि तू भुलाई नहीं भूलेगी। चल तो बस ठीक है, कल तैयार रहना, मैं इसी वक्त आऊंगी, और हाँ वापसी में आधी फीस जरूर दे देना। अरे ले लेना फीस, फीस भी दे दूंगी, और ये ले, ये भी देसी घी के बिस्किट है, बहुत मजे के। चलिए एक काम करते हैं ना अबू, आप मुझे ताश खेलना सिखाएं और मैं आपको जीत के दिखाऊंगी। बेटी की जीत के लिए बेटा बाप को खेलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम ये समझो कि तुमने अपने अब्बू से सारी बाजियां जीत ली। नहीं ना अबू, ऐसे नहीं। अच्छा तो फिर अपनी अम्मा से कहो कि भाई बाजार जाएं तो एक लूडो खरीदना है। मैं तुम्हारे साथ ताश तो नहीं खेल सकता, लेकिन हाँ लूडो जरूर खेल सकता हूँ। लूडो चलेंगे भी ठीक है, बल्कि अब्बू हम लोग कैरम बोर्ड भी खेलेंगे। हाँ 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 ठीक है। अम्मी हलवा खाएंगी आप खाएंगे अब्बू? नेकी और पूछ पूछ, और सिर्फ हलवा नहीं पूरियां ही बनाओ साथ साथ। हाँ चलो तुम रहने दो, मैं बना देती हूँ। नहीं, 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 नहीं। आप बैठी रहें, ये सब कुछ मेरी बेटी बना लेगी। आप उठ के गई और बिला वजह किचन में गिर गई तो आपको अस्पताल कौन लेके जाएगा? हैं अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए अब्बू, मैं बना के लाती हूँ। आपकी तबीयत कैसी है मास्टरनी जी? अगर मुझे पहले पता होता
कि मेरी खराब तबीयत का इतना अच्छा असर पड़ने वाला है इस घर पर ना, तो बहुत पहले ही बस ये जो मैंने बर्दाश्त किया है ना, ये तो मैंने अपनी बेटी की वजह से बर्दाश्त किया है, वरना वो मैं तुम्हारी उस दोस्त की बातों से डरने वाला आदमी नहीं हूँ। पता नहीं ऊट पटांग क्या क्या बोलती रहती है वो, और कितना बोलती है भाई, बहुत ही बोलती है। मम्मी हमारी तो लॉटरी लग गई भाई। कैसे? लड़की का बाप अमेरिका से आया है, वो उसकी इकलौती बेटी है, और वो स्कूल की नहीं बहुत बड़े कॉलेज की लेक्चरर है, और हाँ इसे कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मम्मी एक मिनट, मेरा रिश्ता तय कर आई हो क्या? तस्वीर दिखा दो मुझे लड़की की। अरे वो भी दिखा दूंगी, बस यूँ समझ कि तेरी माँ अगर एक हाथ आगे है ना तो बतूल उससे 10 हाथ आगे है। वो बता रही थी कि लड़की हमारी सोच से भी आगे है। सही है भाई, तो ठीक है फिर इसी खुशी में 10,000 रुपये दे दें मुझे, जाके अपने दोस्तों को जरा आलीशान से होटल में खाना खिलाऊंगा भाई। अरे हाँ हाँ वो भी कर लेंगे, लेकिन अभी जरा अपने मामू के फोन कर और उन्हें बता, मैं चाहती हूँ घमंडी औरत के कुलपुर्जे जरा ढीले हों। वाह मी वाह, आग जला के हाथ सेकना तो कोई आपसे सीखे। हेलो हेलो कजन, क्या हाल है? क्यों फोन किया तुमने? ओहो हेलो, किसी खुशफहमी में मत रहना, तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि कितनी बदनसीब हो तुम। तुमने खो दिया अपने नोनी को, रिश्ता तय हो गया है मेरा, वो भी एक लड़की जो अमेरिका में रहती है और बहुत मशहूर कॉलेज में लेक्चरर है। देखो ये जो खुशनसीबी होती है ना, बार बार दरवाजे पे दस्तक तो नहीं देती, तो अपनी अम्मा को जाके ये खबर बता दे, ठीक है? अरे क्या हुआ, क्या सोच रहा है? अम्मी उसने तो कोई जवाब ही नहीं दी। हाँ तो जवाब कैसे देगी, सुनते ही उसके होश उड़ गए होंगे, अब तो जायदा और इनायत भी घुटने टेकते हुए चले आएंगे। जो भी अम्मी, रूबी लड़की अच्छी अच्छी है, जब तो उसकी माँ के इतने नखरे हैं, है? लेकिन तू फिक्र ना, मैं तेरे लिए ना उससे भी ज्यादा खूबसूरत पढ़ी लिखी और दौलतमंद लड़की लेकर आऊंगी। नौमी तुमने आखिर अपनी औकात दिखा ही दी, लेकिन रूबी तुझे कमजोर नहीं पड़ना। घर का माहौल, अम्मी अब्बू के दरमियान नफरत की पिघलती बर्फ, नहीं मैं अपने माँ बाप को फिर से उलझता लड़ता नहीं देख सकती। हर नौमी मैं तुम्हारे जिक्र से अपनी अम्मी को किसी ज़हनी अज़ियत से दोचार नहीं कर सकती। नौमी तुम्हें सोचकर पछताना भी अब मेरे लिए ना गुरेज है, क्योंकि तुम मेरी नजरों से और मेरे दिल से उतर चुके हो, बल्कि गिर चुके हो तुम नौमी। अस्सलाम वालेकुम छमो। वालेकुम अस्सलाम। अरे राजदा क्या हाल है, कैसी है, बड़े दिनों बाद आई। इस पूरे इलाके में भला कोई ऐसी माँ है जिसका तेरे बगैर गुजारा हो? हाँ ये तो खैर है, कुछ भी कर लो, घूम फिर के आना तो जम्मू के पास ही पड़ता है। कभी बच्चों की शादियों का मसला, कभी मकान बनवाना है, अरे और तो और अब तो बीमारियों का इलाज भी कमेटियाँ डाल के हो रहा है। सही कह रही हो जम्मो, जिसने भी कमेटी ईजाद की है हम औरतों पर बड़ी मेहरबानी की है। मेहरबानी या फिर जुल्म?
अरे शनो कैसी हो बेटा? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया खाला। वैसे ठीक हूँ खाला। ये कमेटी तो ऐसी लत है ना, जो अगर किसी के मुंह को लग जाए तो बस फिर तो वो इंसान अपना घर बार बच्चे बच्चे सब कुछ भूल भुला कर सिर्फ कमेटी के चक्रों में लग जाता है। हाँ मिला वजह पता नहीं क्या शौक हो जाता है कमाओ बीवी बनने का। क्या बकवास कर रही है भाई तू हैं? अरे मत काटो बेटी को, बात तो तूने सही की है शनो। देखा खाला, खाला एक तुम ही हो जो समझ सकती हो कि ये कमेटी का जंजाल कितना अजीबो गरीब होता है। वाह 100 नंबर पूरे के पूरे तुम्हारे। अरे जम्मो हमारी शनो शक्ल के साथ साथ अकल की भी बड़ी हो गई है। जितनी अच्छी है कि अब माँ को सुधारने के चक्करों में है। अरे बात बात चलाई कहीं इसकी। ये राजदा तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं खुद भी तुझसे कई दिनों से मिलने का सोच रही थी। कोई बात नहीं, बस अब देखना मेरे पास जो सबसे अच्छा रिश्ता है ना उनसे मैं अपनी शनो की बात करूंगी। ये लीजिए अबू, गर्मा गर्म हलवा, बट ज्यादा नहीं खाना आपने। खो बात सुन लो, आज मुझे कोई नहीं रोकेगा क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं, खाऊंगा जरूर। तुम्हारी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? अम्मी आपको तो पता है ना, चूल्हे के सामने ज्यादा देर खड़ी होती हूँ तो आंखें सुर्ख हो जाती हैं। अब आपने इतने नाज से जो मुझे पाला है। पर इसलिए तुम्हारी दादी कहती थी कि तुम्हारी माँ सारे काम छलावे की तरह झटपट कर लेती है। यानी कि दादी को अपनी बहू की कदर थी। भाई हलवा तो जबरदस्त है, वाह 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 वाह, इतना कमाल कर दिया तुमने। मुझे ये लगता है कि तुम्हारी अम्मी जो नौकरी कर रही है ना किचन में, तुम उसकी छुट्टी करने वाली हो। करने वाली नहीं बल्कि कर चुकी हूँ। डॉक्टर ने तो आपको एक हफ्ते के आराम का कहा है ना, लेकिन मैं आपको मुस्तकिल आराम करने का कह रही हूँ। अच्छा तुम भी आ गई हैं, बैठ चलो शाबाश। तुमसे मिलना, बातें करना और मोहब्बत करना अगर गलत है तो फिर शर्मिंदा तुम्हें भी होना चाहिए। मैं क्यों मुंह छुपा के रहूं? सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की हूं, मेरे हिस्से में बदनामी आई है। मैं सिर्फ लड़की नहीं बल्कि मैं शन्नो हूं, शन्नो। तुम्हारा सामना भी करूंगी और तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर ये भी कहूंगी कि बदनसीब तुम हो परवेज, कि तुम मेरा नसीब ना बन सके। क्या मतलब? मतलब ये है कि अब कोई भी शन्नो की आंख में धूल झोंकने वाला नहीं रहता। मैं तो सोच रहा था कि खलील भाई के जरिए आपा से माफी मांग लूंगा। बस नोमी मैंने सोच लिया, जाहिदा को तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। क्या करेंगे? रिश्ता ले रही है। अच्छा शाम को? हाँ अच्छा 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 अच्छा